वाराणसी की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने भरी हुंकार, कलम पर आघात नहीं सहेगा पत्रकार प्रेस क्लब। महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सड़क पर उतरे पत्रकार। अर्नब गोस्वामी को तत्काल रिहा कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे केंद्र सरकार। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है, जहां महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के पत्रकारों में भी जबरदस्त नाराजगी है। पत्रकार प्रेस क्लब के बैनर तले एकजुट पत्रकारों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने कहा कि जिस मुकदमे में 2 साल पहले फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई हो, उस मामले को दोबारा खोलकर जिस तरह गिरफ्तारी की गई, उससे साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से यह कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून सबके लिए है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। जिस तरह सुबह घर में घुसकर एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, बदसलूकी की गई, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस पर आघात पहुंचाने की महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ देश भर के पत्रकारों को एकजुट आवाज बुलंद करनी चाहिए। यह किसी एक पत्रकार की बात नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा और मर्यादा पर आघात है और पत्रकार प्रेस क्लब इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्रकारों की सुरक्षा और उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सैकड़ों पत्रकारों ने जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन की प्रति एसडीएम सदर मदन कुमार वर्मा को सौंपी। मांग की कि अर्नब गोस्वामी को तत्काल रिहा किया जाए। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस के जो भी लोग इस मामले में दोषी हों, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों न हों। मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग भी उठाई गई। कचहरी मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान पत्रकार प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष कुमार पांड्य, शिशि प्रकाश सिंह सोनी, प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार मिश्रा, प्रदेश संगठन मंत्री मदन मोहन शर्मा, प्रदेश सचिव विजय शंकर विद्रोही, पंकज भूषण मिश्र, पूर्वांचल प्रभारी पवन त्रिपाठी, पूर्वांचल संयोजक आकाश यादव, मंडल अध्यक्ष वाराणसी आफ्ताब आलम, मंडल उपाध्यक्ष रेवतीमन शर्मा, जिला अध्यक्ष वाराणसी पवन पांड्य, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांड्य, नवीन प्रधान, जिला सूचना मंत्री लवकेश पांड्य, सत्येंद्र कुमार पाठक, त्रिपुरारी यादव, रामबाबू यादव, अभिनव पांडेय, कामाख्या पांडेय, अभिषेक कुमार मिश्रा, ऋषिकांत प्रजापति, राघवेंद्र प्रताप सिंह, गुलजार अली, ओम प्रकाश चौधरी, महेश कुमार पांड्य, तौफीका खान, दिलीप प्रजापति, दिलशाद अहमद, घनश्याम सिंह, विवेक कुमार यादव, अरुण कुमार, मंसूर आलम, जमील अहमद, धर्मेंद्र पांड्य, रवि प्रकाश वाजपेयी, संतोष दुबे, उमेश उपाध्याय, आनंद तिवारी, निवेश कुमार मिश्रा, अवनीश दुबे, संतोष कुमार पांड्य सेकंड, प्रेम कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार कनौजिया, अशोक सिंह, संतोष कुमार सिंह, दुर्गेश यादव, दिनेश कुमार यादव, पवन पाठक सहित सैकड़ों पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकार प्रेस क्लब का प्रदेश अध्यक्ष हूं। आज वाराणसी कचहरी मुख्यालय पर हम लोगों का आने का उद्देश्य है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने R9 भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को फर्जी तरीके से गिरफ्तार करके जेल भेजा है। महाराष्ट्र सरकार की यह कार्रवाई देश के लिए यह एक कलंक है। हम लोग आज पत्रकार प्रेस बैनर के तले जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर के जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से संबोधित एक ज्ञापन सौंपेंगे और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से हम लोग मांग करेंगे कि उद्धव ठाकरे सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर अर्णव गोस्वामी को न्याय दिलाए, अन्यथा पत्रकार प्रेस क्लब पूरे उत्तर प्रदेश में डंका बजाने का काम करेगी। हर गली और चौराहे पर हम लोग महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाएंगे और यह जन आंदोलन तब
जब तक हमारे पत्रकार साथी अर्णब गोस्वामी को न्याय नहीं मिल जाएगा। और प्रेस क्लब जिंदाबाद, 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 प्रेस क्लब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एसडीएम है सदर में, ज्ञापन जो पत्रकार लोगों द्वारा दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के नाम और प्रधानमंत्री महोदय के नाम, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पत्रकारों के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है वही ज्ञापन है, इसको हम पहुंचा देंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।